तो आपने वेब ब्राउजर के बारे में नहीं जाना, कितनी बार सुना होगा आप कोई ना कोई वेब ब्राउजर काम में लेते होंगे, चाहे गूगल क्रोम हो, यूसी ब्राउजर हो या फिर कोई और ब्राउजर हो, आप इनके काम में लेते होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वेब ब्राउजर होते क्या है और काम कैसे करते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम ज्ञान चौधरी, आप देख रहे हैं चांद बात, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेब ब्राउजर होते क्या है। वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करती है, यानी अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं या फिर कोई यूट्यूब चलाना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो आप वेब ब्राउजर के अंदर जाकर उन्हें ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से खोल सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर अपनी हिस्ट्री सेव कर सकते हैं, बुक मार्क सेव कर सकते हैं या फिर आपने उसके अंदर कोई डेटा डाला है, यानी कि आपने कोई फॉरम भरा है तो आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर कर सकते हैं। ये होते हैं वेब ब्राउजर के काम। अब बात करते हैं वेब ब्राउजर काम कैसे करते हैं। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट खोलनी है आपके फोन, चाहे यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम या फिर आपके डेस्कटॉप में जितने भी ओपेरा, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जितने भी ब्राउजर हैं इन्हें, ये सब वेब ब्राउजर होते हैं। अगर बात करते हैं कि ये आपके जो कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये आपको उस फाइल के उस सर्वर के पास कनेक्ट करते हैं जिस सर्वर से आप उसे खोलना चाहते हैं, यानी कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन उस सर्वर के पास भेजते हैं कि इसे ही ये वेबसाइट खोलनी है इस URL के साथ, वो वेबसाइट आपके पास खुल जाती है। ये होते हैं वेब ब्राउजर काम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पता चल चुका होगा वेब ब्राउजर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।